बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ मानूर रेहान और आप देख रहे हैं मानूर्स फूड कॉर्नर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे वेजिटेबल राइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो हमें इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो हैं 1 कप ऑयल, 2 चॉप्ड प्याज, 1 टमाटो पेस्ट, 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 2 हरी मिर्चें, 1 पैक बिरयानी मसाला, गाजर, मटर, डाइस्ड आलू और 1/2 kg भिगोए हुए चावल। तो अब सबसे पहले फ्लेम ऑन करके मैं पैन में ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब मैंने इसमें ऐड किया चॉप्ड प्याज, इसे मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर रही हूँ, फिर से इसे मिक्स कर रही हूँ। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया टोमेटो पेस्ट, इसे हम मिक्स करेंगे और 5 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। ये आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मैंने सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं और 1 ग्लास मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। इसे फिर से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ, फिर से मिक्स कर लेंगे। अब ये बॉयल हो रहा है, इसमें मैंने गाजरें ऐड कर दी हैं, इसे मिक्स कर लेंगे फिर से। अब मैं इसमें मटर ऐड कर रही हूँ और इसे भी मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें डाइस्ड आलू ऐड कर रही हूँ और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं इसमें अगेन 1 से 2 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। तो अब मैं इसे लिड से कवर कर रही हूँ और इसे हम 15 मिनट्स के लिए स्टीम में रख देंगे। तो ये आप देख सकते हैं 15 मिनट्स हो चुके हैं, इसे मैंने अनकवर कर दिया है। जो हमारे वेजिटेबल्स हैं वो सब गल चुकी हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ भिगोए हुए चावल और इसमें पानी हसब ज़रूरत ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर देंगे सही तरह से। तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। तब तक कुक करेंगे कि जब तक इसका जो पानी है वो सही तरह से ड्राई नहीं हो जाता। ये आप देख सकते हैं इसमें बबल्स थोड़े थोड़े से बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब इसमें ज़्यादा बबल्स आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो पानी है वो ड्राई होना स्टार्ट हो चुका है। इसे हम बहुत ही केयरफुली मिक्स करेंगे कि जो हमारे चावल हैं वो टूटे नहीं। और अब जो पानी है वो ऑलमोस्ट ड्राई है, ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसे लिड से कवर करूंगी और इसे हम 5 to 10 मिनट्स के लिए स्टीम में रख देंगे। ये आप देख सकते हैं 5 to 10 मिनट्स हो चुके हैं, इसे मैंने अनकवर कर दिया है और ये डिश आउट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसे मैंने कर लिया है डिश आउट और हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी वेजिटेबल राइस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि जो मेरी न्यू रेसिपीज़ और वीडियोज़ आने वाली होंगी उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा हमारी रेसिपी और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत ही स्पेशल और बहुत ही यूनिक रेसिपी के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।